इमेजिन करिए आप एक लैंटर्न लेकर जंगल में जा रहे हो, अकेले, आसपास कोई नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, रात का टाइम है, आप वो लैंटर्न लेके चल रहे हो। अब जहां पर आपकी लैंटर्न है, जहां पर आपका टॉर्च है, उसके आसपास आपको सब कुछ एरिया दिख रहा है, सब चीजें दिख रही है, बट उस जंगल की लाइट इतनी ज्यादा डार्क है कि कुछ देर बाद, कुछ दूरी पे ही आपको कुछ बिल्कुल अंधेरा दिखेगा और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस है। इसी तरीके से हम अपनी लाइफ जीते हैं। हमारे आसपास है प्योर पोटेंशियल रियलिटी, मतलब हम उस जंगल में रह रहे हैं, उस फील्ड में रह रहे हैं जहां से सारी की सारी एनर्जी आ रही है। इस रूम में मैं हूं अभी, इसलिए ये रूम अभी अलाइव है, ये मेरे एक्सपीरियंस में है ये रूम। जैसे ही मैं इस रूम से निकल जाऊंगा, ये रूम खत्म हो जाएगा, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जंगल में एक पेड़ गिरता है और आसपास कोई भी नहीं है, ना कोई पक्षी है, ना कोई जानवर है, ना कोई इंसान है वहां पर उस पेड़ को गिरते हुए देखते हुए, तो क्या उस पेड़ की आवाज हुई? उस पेड़ के गिरने की आवाज हुई? उस पेड़ के गिरने की बिल्कुल आवाज नहीं हुई, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं है उसको, कोई उसकी वाइब्रेशन को ट्रांसलेट करने के लिए नहीं है। ट्रांसलेट हम करते हैं उस वाइब्रेशन को, हमारा ह्यूमन सेंसेस करती है, हमारा ह्यूमन माइंड उसमें हेल्प करता है। तो इसी तरीके से हम ये अपनी रियलिटी जीते हैं। सारी की सारी एनर्जी, पूरा का पूरा स्पेस उस जंगल की तरह है जहां पर प्योर अंधेरा है। आप अपनी कॉन्शियसनेस की लाइट लेकर चल रहे हो, उस स्पेस के थ्रू जा रहे हो और स्पेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप इस पाथ से चालू करते हो और एकदम एंड तक जाते हो। अब जो पाथ आपने ली है वो आपकी एक लाइफ लाइन क्रिएट करती है। अब वो पाथ जो आपने पकड़ी है जंगल में, उसमें आपने कॉन्शियसनेस फैलाई है, वहां पर आपने उस पाथ को इग्नाइट किया है। अब बात यह है कि कॉन्शियसनेस चल रही है आगे, स्पेस नहीं चल रही या टाइम नहीं चल रहा। अब इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप एक पाइप देते हो, ठीक है, उस पाइप में आप एक एरिया को फ्रीज कर दो, उस छोटे से पाइप में एक एरिया को फ्रीज कर दो, उसमें आप टेप वगैरह लगा दो, कोल्ड टेप लगा दो या आइस उसके आसपास रख दो, और उस पाइप के थ्रू आप पानी फेंको, क्या होगा? वो पानी जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा एक एंड से दूसरे एंड तक, बट बीच में वो पानी जो है थोड़ा बहुत फ्रीज होगा, एक छोटी सी रिंग क्रिएट होगी वो फ्रोजन वाटर की। अब वो फ्रोजन वाटर एक तरीके से टाइम है और हम उसकी तरफ बहते हुए जा रहे हैं। इसी तरीके से हम अपनी रियलिटी जी रहे हैं, मतलब हम बोलते हैं कि मैंने अपना पास्ट जिया है और मैं अपना फ्यूचर जीऊंगा, बट इनफैक्ट हमारा पास्ट और फ्यूचर अभी इस टाइम पे प्रेजेंट है, और हमारी नजर, हमारी कॉन्शियसनेस उस जंगल से जारी है, एक जगह से दूसरी जगह। हमारा पास्ट भी यहीं पे है, हमारा फ्यूचर भी यहीं पे है। इसी तरीके से एक और मिसकंसेप्शन बहुत साल पहले लोगों को था। लोग सोचते थे कि सन जो है, सूरज जो है, हमारे अर्थ के आसपास घूमता है, बट एक्चुअली तो रिवर्स चीज है, अर्थ जो है सन के आसपास घूमता है। तो हम ये सोचते हैं कि टाइम हमारे हाथों से फिसल रहा है, टाइम हमारे हाथों से नहीं फिसल रहा, कॉन्शियसनेस आगे चलती हुई जा रही है, वो अपनी नजर आगे बढ़ाते हुए जा रही है और उसके, हाँ, उसके हिसाब से टाइम आगे निकल रहा है। हाँ, अब आप पूछोगे कि हम बूढ़े कैसे हो रहे हैं अगर टाइम नहीं है, टाइम वैसा ही है, टाइम, हम बूढ़े इसलिए हो रहे हैं, बूढ़े इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी खुद की बिलीफ्स है कि 60 साल की उम्र में एक आदमी ये नहीं कर सकता, 60 साल की उम्र में ये पर्सन ये नहीं कर सकता, 50 साल में अपनी कोई पर्सन अपना बिजनेस चालू नहीं कर सकता। ये कॉन्शियस बिलीफ्स लेकर हम अपनी एज को रैपिडली बढ़ा रहे हैं, बट हाँ, कॉन्शियसनेस एक टाइम रियलाइज करता है कि उसको ये लाइफ जीनी है, इस लाइफ में उसको ये एस्टेब्लिश करना है, ये चीजें लर्न करनी है, तो वो उस टाइम को वहीं पे रख के अपनी नजर आगे बढ़ाता हुआ जाता है। और एक टाइम पे जिस तरीके से एनर्जी क्रिएट होती है, उसी तरीके से एनर्जी डिसॉल्व होती है ताकि वापस एक और नई एनर्जी क्रिएट हो पाए। आपका पास्ट भी यहां पर है इस मैप पे,
और आपका फ्यूचर भी यहां पर है। अब ये दोनों चीजें यहीं पर है, बट हम एक्सपीरियंस करते हैं सिर्फ और सिर्फ नाउ को, क्योंकि वहां पर हमारी नजरें, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस कर रही है। मैं इस लाइफ में अभी इस प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा हूं क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस अभी इस प्रेजेंट पे फोकस्ड है, बट वो पास्ट भी एग्जिस्ट करता है और वो फ्यूचर भी एग्जिस्ट करता है। वो दोनों के दोनों लाइफ लाइन अभी एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारी कॉन्शियसनेस उसको एक्सपीरियंस कर रही है इस टाइम पे। तो इससे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या मेरा फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड है? अगर सब कुछ लिखा हुआ है, अब वो पाथ डिसाइडेड है, वो टाइम डिसाइडेड है कि मेरा पास्ट ये है, मेरा फ्यूचर ये है, तो क्या सब कुछ डिसाइडेड है? इसका आंसर हां है और ना भी है, क्योंकि जो तकदीर होती है, जिसको हम बोलते हैं ना, आप अपनी तकदीर चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी तकदीर तकदीर को हम चेंज करते हैं, उस वर्ड को हम चेंज करते हैं स्क्रिप्ट में। हर एक शो का, हर एक प्ले का एक स्क्रिप्ट डिसाइडेड है। अगर आज आप हैरी पॉटर करके एक शो है, कई सारे थिएटर्स में लगता है, एक्चुअल ड्रामा शो है, अगर आप हैरी पॉटर का शो इस थिएटर में जाके देखते हो, थिएटर ए में जाके देखते हो, तो आपको वही सेम स्क्रिप्ट, वही सेम प्ले, वही सेम कैरेक्टर्स, वही सेम चीजें मिलेंगी। बट अगर आप दूसरे थिएटर में जाते हो तो आपको वही सेम स्क्रिप्ट मिलेगी, बट कैरेक्टर्स थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, लोगों के डायलॉग्स करने के तरीके अलग होंगे। बट अब आप कोई दूसरी जगह जा रहे हो जहां पर बिल्कुल ही अलग शो चल रहा है, तो वहां पर स्क्रिप्ट भी अलग होगी, वहां पर लोग भी अलग होंगे। उसी तरीके से जिस लाइफ लाइन पे हो, जिस जंगल पे आपने वो पाथ पकड़ी है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। आप उस स्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी उस तकदीर को चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ, आप अपनी दूसरी स्क्रिप्ट को उठा सकते हो, आप अपनी तकदीर को ऑल्टरनेट कर सकते हो, मतलब आप अपनी तकदीर को रिप्लेस कर सकते हो कोई दूसरी स्क्रिप्ट के साथ। अगर मैं बोलता हूं कि इस रियलिटी में मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए और मैं जिस तरीके से अपनी लाइफ जी रहा हूं, इस तकदीर में शायद मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं बार बार पैसे को कोसता हूं, मैं बोलता हूं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है मेरी लाइफ में, तो क्या होता है? तो वो पैसा नहीं होने की रियलिटी और ज्यादा क्रिएट होती है। मतलब मैं उसी तकदीर पर चलता हुआ जाता हूं जहां पर वो पैसा नहीं है। पर अगर मैं अपनी तकदीर को चेंज करता हूं, अगर मैं अपनी स्क्रिप्ट को ही चेंज कर देता हूं पूरी तरह से, और मैं बोलता हूं कि हाँ, इस लाइफ में पैसा है, इस लाइफ में पैसा है और पैसा आने वाला है, तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया है। इसको हम और आने वाले वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे, बट मैं आपका अटेंशन यहां पर लाना चाहता हूं, जहां पर आपकी कॉन्शियसनेस है उस तरीके से हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो हमारी कॉन्शियसनेस अभी इस प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस्ड है। अब जहां पर आप अपना लैंटर्न लेकर जाते हो, वो पाथ इग्नाइट हो जाती है। तो अगर मुझे ये वाली स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही, तो मुझे उस जंगल के अंधेरे वाले पार्ट में जाना है जहां पर वो चीजें हैं जो मुझे चाहिए। अगर जंगल में मुझे एप्पल चाहिए और एप्पल का पेड़ मैं जानता हूं कि उस जंगल के उस कोने में है, तो मुझे उस तरफ जाना जरूरी है, उस तरफ चलना जरूरी है। उसी तरीके से हम ही अपनी स्पेस इग्नाइट करते हैं, हम ही अपनी स्पेस को मैनिफेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? उस प्रेजेंट रियलिटी में रहकर। तो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली दो पॉइंट का कोऑर्डिनेशन है, जहां पर आपका टाइम मिलता है, जहां पर आपकी टाइम मिलता है, और जहां पर आपका स्पेस मिलता है। जब टाइम और स्पेस एक जगह मिलते हैं, उस जगह पे क्रिएट होता है हमारा मैटर। अब आप उस जंगल से एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हो, और कहीं पे भी आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, अपने नाव में रहकर कहीं पर भी अपना डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज आए। अब कई सारे लोग ये पूछेंगे कि मेरा पास्ट एग्जिस्ट कैसे करता है? मैं अभी इस रियलिटी में जी रहा हूं, मैं तो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा हूं, मेरा पास्ट कैसे एग्जिस्ट करता है, मेरा फ्यूचर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? अब आप एक ग्राफ लीजिए, आपने बचपन में वो ग्राफ कर रखा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। आप जानते हो कि अगर आप एक पॉइंट बना रहे हो ग्राफ पे, ये पॉइंट यहां पर है,
अब ये पॉइंट को आप चेंज करते हो, इस जगह लेकर आते हो यहां पर। अब आप इस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लो आप ये पॉइंट बन जाते हो जो इस ग्राफ पे है, और वो पॉइंट अब बात करता है कि मैं कैसे एग्जिस्ट कर सकता हूं दोनों जगह, तो आप बोलोगे कितनी बेहुदा बात है, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि तू इधर भी है मेरे सामने। उसी तरीके से हम भी अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें, अगर हम अपना पर्सपेक्टिव एज एन ऑब्जर्वर लेकर आए, हम रियलाइज करें कि हम एक कॉन्शियसनेस है जो एक पॉइंट से इधर भी देख पा रहा है और इधर भी देख पा रहा है। आई होप ये दोस्तों आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट अगर आप अपने आप को इस 3D रियलिटी से ऊपर ले जाते हो और इस कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपका फ्यूचर भी एग्जिस्ट करता है और आपका पास्ट भी एग्जिस्ट करता है, और उसमें हमारी इमेजिनेशन, फ्यूचर में हमारी इमेजिनेशन बहुत काम आती है, पास्ट में भी हमारी इमेजिनेशन काम आती है कि कैसे हमारे लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं उसको हम कैसे ऑल्टर करें। जैसे ही हम उसको ऑल्टर करने लग जाते हैं, मेमोरी ऑल्टर करने लग जाते हैं, हमारी एनर्जी चेंज होने लग जाती है अभी इस प्रेजेंट मोड पे, तो अब जिस पटरी पे हम चल रहे हैं उस पटरी की जो डायरेक्शन है चेंज होने लग जाता है। अब हम दूसरी पटरी पे हैं, अब हम दूसरे प्ले में हैं जिसकी स्क्रिप्ट ही अलग है। ऐसे करके हम वो चीजें मैनिफेस्ट करते हैं जस्ट बाय रियलाइजिंग कि हम, हमारे हाथ से टाइम नहीं फिसल रहा, हम टाइम को नोटिस कर रहे हैं और वो टाइम वहीं पे वही है, टाइम तो यहीं पे ही है, हम आगे चलते हुए जा रहे हैं लेफ्ट और राइट। तो दोस्तों आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझ आया हो, बट अगर आपको इसके बारे में और कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज बताइए, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। प्रैक्टिकली हमको क्या करना है, हमको रियलाइज करना है, हमको हमारी इमेजिनेशन यूज करनी है कि हम पास्ट अपना फ्यूचर कैसे चेंज कर पाए, ये रियलाइजेशन रख के कि इस फॉरेस्ट से हम गुजर रहे हैं, इस जंगल से हम जा रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और हम अपनी स्क्रिप्ट कभी भी चेंज कर सकते हैं थ्रू हमारी क्रिएटिविटी, थ्रू हमारी इमेजिनेशन।